श्री कृष्णा ऑल माय डियर वंस, महाभारत युद्ध के पात्रों से जुड़ी कुछ घटनाएं, महर्षि वेदव्यास के जन्म की कहानी। प्राचीन काल में सुधन्वा नाम के एक राजा थे। वे एक दिन शिकार के लिए वन में गए। उनके जाने के बाद ही उनकी पत्नी रजस्वला हो गई। उसने इस समाचार को अपने शिकारी पक्षी के माध्यम से राजा के पास भिजवाया। समाचार पाकर महाराज सुधन्वा ने एक डोने में अपना वीर्य निकालकर पक्षी को दे दिया। पक्षी उस डोने को राजा की पत्नी के पास पहुंचाने आकाश में उड़ चला। मार्ग में उस शिकारी पक्षी पर दूसरे शिकारी पक्षी ने हमला किया और दोनों पक्षियों में युद्ध होने लगा। युद्ध के दौरान वह डोना पक्षी के पंजे से छूटकर यमुना में जा गिरा। यमुना में ब्रह्मा के श्राप से मछली बनी एक अप्सरा रहती थी। मछली रूपी अप्सरा डोने में बहते हुए वीर्य को निगल गई तथा उसके प्रभाव से वह गर्भवती हो गई। एक निषाद ने गर्भ पूर्ण होने पर उस मछली को अपने जाल में फंसा लिया। निषाद ने जब मछली का पेट चीरा तो उसके पेट से एक बालक तथा एक बालिका निकली। वह निषाद उन शिशुओं को लेकर महाराज सुधन्वा के पास गया। महाराज सुधन्वा के पुत्र ना होने के कारण उन्होंने बालक को अपने पास रख लिया, जिसका नाम मत्स्यराज हुआ। बालिका निषाद के पास ही रह गई और उसका नाम मत्स्यगंधा रखा गया, क्योंकि उसके अंगों से मछली की गंध निकलती थी। उस कन्या को सत्यवती के नाम से भी जाना जाता था। बड़ी होने पर वह बालिका नाव खेने का कार्य करने लगी। एक बार पराशर मुनि को उसकी नाव पर बैठकर यमुना पार करनी पड़ी। पराशर मुनि सत्यवती के रूप सौंदर्य पर आसक्त हो गए और बोले, देवी, हम तुम्हारे साथ सहवास के इच्छुक हैं। सत्यवती ने कहा, मुनिवर, आप ब्रह्मज्ञानी हैं और मैं निषाद कन्या, हमारा सहवास संभव नहीं है। तब पराशर मुनि बोले, तुम चिंता मत करो, प्रसूति होने पर भी तुम कुमारी ही रहोगी। इतना कहकर उन्होंने अपने योग बल से चारों ओर घने कोहरे का जाल रच दिया और सत्यवती के साथ भोग किया। तत्पश्चात उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे शरीर से जो मछली की गंध निकलती है वह सुगंध में परिवर्तित हो जाएगी। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से वेद वेदांगों में पारंगत एक पुत्र हुआ। जन्म होते ही वह बालक बड़ा हो गया और अपनी माता से बोला, माता, तू जब कभी भी विपत्ति में मुझे स्मरण करेगी मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर वे तपस्या करने के लिए द्वापायन द्वीप चले गए। द्वापायन द्वीप में तपस्या करने तथा उनके शरीर का रंग काला होने के कारण उन्हें कृष्ण द्वापायन कहा जाने लगा। आगे चलकर वेदों का भाष्य करने के कारण वे वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। दानवीर कर्ण का जन्म। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के पालन पोषण का भार भीष्म के ऊपर था। तीनों पुत्र बड़े होने पर विद्या अध्ययन के लिए भेजे गए। धृतराष्ट्र बल विद्या में, पांडु धनुर्विद्या में तथा विदुर धर्म और नीति में निपुण हुए। युवा होने पर धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण राज्य के उत्तराधिकारी ना बन सके। विदुर दासी पुत्र थे, इसीलिए पांडु को ही हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से कर दिया। गांधारी को जब ज्ञात हुआ कि उसका पति अंधा है तो उसने स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। उन्हीं दिनों यदुवंशी राजा शूरसेन की पोषित कन्या कुंती जब युवा अवस्था को प्राप्त हुई तो पिता ने उसे घर आए हुए महात्माओं की सेवा में लगा दिया।
पिता के अतिथि गृह में जितने भी साधु महात्मा ऋषि मुनि आदि आते, कुंती उनकी सेवा मन लगाकर करती। एक बार वहाँ दुर्वासा ऋषि आ पहुँचे। कुंती ने उनकी भी मन लगाकर सेवा की। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, पुत्री मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः तुझे एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके प्रयोग से तू जिस देवता का स्मरण करेगी वह तत्काल तेरे समक्ष प्रकट होकर तेरी मनोकामना पूर्ण करेगा। दुर्वासा ऋषि कुंती को मंत्र प्रदान करके चले गए। मंत्र की सत्यता की जांच हेतु एक दिन कुंती ने एकांत स्थान पर बैठकर उस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव का स्मरण किया। उसी क्षण सूर्य देव वहां प्रकट हुए और बोले, देवी मुझे बताओ कि तुम मुझसे किस वस्तु की अभिलाषा करती हो, मैं तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूँगा। इस पर कुंती ने कहा, हे देव मुझे आपसे किसी भी प्रकार की कोई अभिलाषा नहीं है, मैं तो केवल मंत्र की सत्यता परखने के लिए ही उसका जाप किया है। कुंती के इन वचनों को सुनकर सूर्य देव बोले, हे कुंती मेरा आना व्यर्थ नहीं जा सकता, मैं तुम्हें एक अत्यंत पराक्रमी तथा दानशील पुत्र प्रदान करता हूँ। इतना कहकर सूर्य देव अंतर्ध्यान हो गए। कुंती लज्जावश यह बात किसी से ना कह सकी। समय आने पर उसके गर्भ से क्वच कुंडल धारण किए हुए एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुंती ने उसे एक मंजूषा में रख कर रात्रि बेला में गंगा में बहा दिया। वह बालक बहता हुआ उस स्थान पर पहुंचा जहां पर धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ अपने अश्व को गंगा नदी में जल पिला रहा था। उसकी दृष्टि कवच कुंडलधारी शिशु पर पड़ी। अधिरथ निसंतान था, इसीलिए उसने बालक को अपने छाती से लगा लिया और घर ले जाकर अपनी पत्नी राधा को सौंप दिया। उन्होंने उस बालक को गोद ले लिया और उसका लालन पोषण करने लगे। उस बालक के कान अति सुंदर थे, इसीलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। एक बार अर्जुन को अहंकार हो गया कि वही भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। उनको श्री कृष्ण ने समझा लिया। एक दिन वह अर्जुन को अपने साथ घुमाने ले गए। रास्ते में उनकी मुलाकात एक गरीब ब्राह्मण से हुई। उसका व्यवहार थोड़ा विचित्र था। एक सूखी घास खा रहा था और उसकी कमर से तलवार लटक रही थी। अर्जुन ने उससे पूछा, आप तो अहिंसा के पुजारी हैं, जीव हिंसा के भय से सूखी घास खाकर अपना गुजारा करते हैं, लेकिन फिर हिंसा का यह उपकरण तलवार आपने कैसे रखी है? ब्राह्मण ने जवाब दिया, मैं कुछ लोगों को दंडित करना चाहता हूँ। आपके शत्रु कौन हैं? अर्जुन ने जिज्ञासा जाहिर की। ब्राह्मण ने कहा, मैं चार लोगों को खोज रहा हूँ ताकि उनसे अपना हिसाब चुकता कर सकूं। सबसे पहले तो मुझे नारद की तलाश है। नारद मेरे प्रभु को आराम करने नहीं देते, सदा भजन कीर्तन कर उन्हें जागृत रखते हैं। फिर मैं द्रौपदी पर क्रोधित हूँ, उसने मेरे प्रभु को ठीक उसी समय पुकारा जब वह भोजन करने बैठे थे। उन्हें तत्काल खाना छोड़ पांडवों को दुर्वासा ऋषि के श्राप से बचाने जाना पड़ा। उसकी धृष्टता तो देखिए, उसने मेरे भगवान को झूठा खाना खिलाया। आपका तीसरा शत्रु कौन है? अर्जुन ने पूछा। वह है हृदयहीन प्रहलाद। उस निर्दयी ने मेरे प्रभु को गरम तेल के कड़ाहे में प्रविष्ट कराया, हाथी के पैरों तले कुचलवाया और अंत में खंभे से प्रकट होने के लिए विवश किया। और चौथा शत्रु है अर्जुन। उसकी दुष्टता देखिए, उसने मेरे भगवान को अपना सारथी बना डाला। उसे भगवान की असुविधा का तनिक भी ध्यान नहीं रहा। कितना कष्ट हुआ होगा मेरे प्रभु को। यह कहते ही ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। यह देख अर्जुन का घमंड चूर चूर हो गया। उसने श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हुए कहा, मान गया प्रभु, इस संसार में ना जाने आपके कितने तरह के भक्त हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ।
कर्ण किए श्राप। अपनी कुमार अवस्था से ही कर्ण की रुचि अपने पिता अधिरथ के समान रथ चलाने की बजाय युद्ध कला में अधिक थी। कर्ण और उसके पिता अधिरथ आचार्य द्रोणाचार्य से मिले, जो कि उस समय युद्ध कला के सर्वश्रेष्ठ आचार्यों में से एक थे। द्रोणाचार्य उस समय कुरु राजकुमारों को शिक्षा दिया करते थे। उन्होंने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि कर्ण एक रथ हाँकने वाले का पुत्र था और द्रोणाचार्य केवल क्षत्रियों को ही शिक्षा दिया करते थे। द्रोणाचार्य की असम्मति के उपरांत कर्ण ने परशुराम से संपर्क किया, जो केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा दिया करते थे। कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर परशुराम से शिक्षा का आग्रह किया। परशुराम ने कर्ण का आग्रह स्वीकार नहीं किया। परशुराम ने कर्ण का आग्रह स्वीकार कर लिया और कर्ण को अपने समान ही युद्ध कला और धनुर्विद्या में निष्णात किया। कर्ण को उसके गुरु परशुराम और पृथ्वी माता से श्राप मिला था। कर्ण की शिक्षा अपने अंतिम चरण पर थी। एक दोपहर की बात है, गुरु परशुराम कर्ण की जंगा पर सिर रख कर विश्राम कर रहे थे। कुछ देर बाद कहीं से एक बिच्छू आया और कर्ण की दूसरी जंगा पर काटकर घाव बनाने लगा। कर्ण बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसके गुरु के विश्राम में कोई बाधा उत्पन्न हो, इसलिए उसने बिच्छू को हटाकर दूर नहीं फेंका। उस बिच्छू ने अपने डंक से कर्ण को भयंकर पीड़ा देता रहा, किंतु कर्ण ने अपने गुरु के विश्राम में खलल नहीं आने दिया। कुछ देर बाद जब गुरु परशुराम की निद्रा टूटी और उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से बहुत रक्त बह रहा है, उन्होंने कहा कि केवल किसी क्षत्रिय में ही इतनी सहनशीलता हो सकती है कि वह बिच्छू का डंक सह सके, ना कि किसी ब्राह्मण में। और परशुराम ने उसे मिथ्या भाषण के कारण श्राप दिया कि जब भी कर्ण को उनकी दी हुई शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, उस दिन वह उसके काम नहीं आएगी। कर्ण, जो कि स्वयं भी यह नहीं जानता था कि वह किस वंश का है, अपने गुरु से क्षमा मांगी और कहा कि उसके स्थान पर यदि कोई और शिष्य भी होता तो भी वह यही करता। यद्यपि कर्ण को क्रोधवश श्राप देने पर परशुराम को बहुत ग्लानि हुई, किंतु वे अपना श्राप वापस नहीं ले सकते थे। तब उन्होंने कर्ण को अपना विजय नामक धनुष प्रदान किया और उसे ये आशीर्वाद भी दिया कि उसे वह वस्तु मिलेगी जिसे वह सर्वाधिक चाहता है, अमित प्रसिद्धि। कुछ लोक कहानियों में भी यह भी माना जाता है कि बिच्छू के रूप में स्वयं देवराज इंद्र ने कर्ण को पीड़ा पहुंचाई थी, क्योंकि वे परशुराम के समक्ष उसकी वास्तविक क्षत्रिय पहचान को उजागर करना चाहते थे। परशुराम के आश्रम से जाने के पश्चात कर्ण कुछ समय तक भटकता रहा। इस दौरान वह शब्द भेदी विद्या सीख रहा था। अभ्यास के दौरान उसने एक गाय के बछड़े को कोई वन्य पशु समझ लिया और उस पर शब्द भेदी बाण चला दिया और बछड़ा मारा गया। तब उस गाय के स्वामी ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार उसने एक असहाय पशु को मारा है, वैसे ही एक दिन वह भी मारा जाएगा, जब वह सबसे अधिक असहाय होगा और जब उसका सारा ध्यान अपने शत्रु से कहीं अलग किसी और काम पर होगा। एकलव्य की गुरु भक्ति। आचार्य द्रोणाचार्य पांडव और कौरव राजकुमारों को अस्त्र शस्त्र की विधिवत शिक्षा प्रदान कर रहे थे। उन राजकुमारों में अर्जुन के अत्यंत प्रतिभावान तथा गुरु भक्त होने के कारण वे द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे। द्रोणाचार्य का अपने पुत्र अश्वत्थामा पर भी विशेष अनुराग था, इसीलिए धनुर्विद्या में वे भी सभी राजकुमारों में अग्रणी थे, किंतु अर्जुन अश्वत्थामा से भी अधिक प्रतिभावान थे। एक रात्रि को गुरु के आश्रम में जब सभी शिष्य भोजन कर रहे थे, तभी अकस्मात हवा के झोंके से दीपक बुझ गया। अर्जुन ने देखा अंधकार होने पर भी भोजन के कौर को हाथ मुंह तक ले जाता है।
इस घटना से उन्हें यह समझ में आया कि निशाना लगाने के लिए प्रकाश से अधिक अभ्यास की जरूरत है। अब उन्होंने रात्रि के अंधकार में भी लक्ष्य भेदने का अभ्यास करना आरंभ कर दिया। गुरु द्रोण उनके इस प्रकार के अभ्यास से अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने अर्जुन को धनुर्विद्या के साथ ही साथ गदा, तोमर, तलवार आदि शस्त्रों के प्रयोग में भी निपुण कर दिया। उन्हीं दिनों हिरण्यधनु नामक निषाद का पुत्र एकलव्य भी धनुर्विद्या सीखने के उद्देश्य से द्रोणाचार्य के आश्रम में आया, किंतु कर्ण के समान ही निम्न वर्ण का होने के कारण द्रोणाचार्य ने उसे अपना शिष्य बनाना स्वीकार नहीं किया। निराश होकर एकलव्य वन में चला गया। उसने द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को गुरु मानकर धनुर्विद्या अभ्यास करने लगा। एकाग्र चित्र से साधना करते हुए अल्पकाल में ही वह धनुर्विद्या में निपुण हो गया। एक दिन सारे राजकुमार गुरु द्रोण के साथ आखेट के लिए उसी वन में गए जहां पर एकलव्य आश्रम बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। राजकुमारों का कुत्ता भटक कर एकलव्य के आश्रम में जा पहुंचा। एकलव्य को देखकर वह भौंकने लगा। इसके क्रोधित होकर एकलव्य ने उस कुत्ते पर अपना बाण चला चलाकर उसके मुंह को बाणों से भर दिया। एकलव्य ने इस कौशल से बाण चलाए कि कुत्ते को किसी भी प्रकार की चोट नहीं लगी, किंतु बाणों से बिंद जाने के कारण उसका भौंकना बंद हो गया। कुत्ते के लौटने पर जब अर्जुन ने धनुर्विद्या के उस कौशल को देखा तो वे द्रोणाचार्य से बोले, हे गुरुदेव, इस कुत्ते के मुख में तो जिस कौशल से बाण चलाए गए हैं उससे प्रतीत होता है कि यहाँ पर कोई मुझसे भी बड़ा धनुर्धर रहता है। अपने सभी शिष्यों को लेकर द्रोणाचार्य एकलव्य के पास पहुँचे और पूछा, हे वत्स, क्या ये बाण तुम ही ने चलाए हैं? एकलव्य के स्वीकार करने पर उन्होंने पुनः प्रश्न किया, तुम्हें धनुर्विद्या की शिक्षा देने वाले कौन हैं? एकलव्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैंने तो आपको ही गुरु स्वीकार करके धनुर्विद्या सीखी है। इतना कहकर द्रोणाचार्य को उनकी मूर्ति के समक्ष ले जाकर खड़ा कर दिया। द्रोणाचार्य नहीं चाहते थे कि कोई भी अर्जुन से बड़ा धनुर्धारी बन पाए। वे एकलव्य से बोले, यदि मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य बोला, गुरुदेव, गुरु दक्षिणा के रूप में आप जो भी मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। उस पर द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उसके दाहिने हाथ के अंगूठे की मांग की। एकलव्य ने सहर्ष अपना अंगूठा काट कर द्रोणाचार्य के चरणों में समर्पित कर दिया। इस प्रकार एकलव्य अपने हाथ से धनुष चलाने में असमर्थ हो गया तो अपने पैरों से धनुष चलाने का अभ्यास करना आरंभ कर दिया। कुरुक्षेत्र के मैदान में भारत महाभारत रचा गया। कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। अश्वसेन ने उपयुक्त अवसर देखा और वह बाण का रूप धारण करके कर्ण के तर्कस में जा घुसा। अर्जुन पर प्रहार करते समय कर्ण के हाथ में संयोगवश वही बाण आया जिसमें अश्वसेन समाया हुआ था। बाण का अटपटापन देखकर शल्य ने कहा, महाभाग, यह बाण कुछ बेतुका सा है, धनुष पर बाण दूसरा चढ़ाओ तो ठीक रहेगा। कर्ण ने दर्प पूर्वक पूछा, शल्य, मैं दोबारा लक्ष्य नहीं देखता और एक बार बाण को धनुष पर चढ़ाकर फिर उसे नहीं उतारता। ऐसा कहकर उसने धनुष साधा और बाण को लक्ष्य की ओर छोड़ा। कृष्ण ने इस महाभयंकर बाण को आते देखकर रथ के घोड़ों को जमीन पर बैठा दिया। सो बाण के प्रहार से अर्जुन का मुकुट भर कटा, उसका शीश बच गया। अश्वसेन का क्रोध शांत ना हुआ। अर्जुन के बच जाने से उसे बहुत दुख हुआ। अब की बार वह अपने असली स्वरूप में कर्ण के पास पहुंचा और बोला, हे महाबली, पिछली बार तुमने मेरा पराक्रम जाने बिना ही बाण रूप में मुझे असावधानी से छोड़ा था, उसी से अर्जुन बच गया। अब की बार तुम ध्यानपूर्वक मुझे छोड़ो, इससे मेरा और तुम्हारा समान रूप से शत्रु अर्जुन निश्चित रूप से मृत्यु के मुख में चला जाएगा। कर्ण ने पूछा, भद्र, तुम कौन हो? किस निमित्त से
तरकस में प्रवेश करते हो। अश्वसेन ने कहा, मैं विकराल विषधर महासर्प हूँ। अर्जुन ने मेरा देश जलाया है, सो मैं उससे बदला लूँगा। अपने पुरुषार्थ से उसे डस नहीं सका, सो अब मैं तुम्हारी सहायता लेकर अपने शत्रु से प्रतिशोध लेना चाहता हूँ। कर्ण ने मार्मिक उत्तर दिया और बोला, हे नाग, मैं अपने ही पुरुषार्थ से विजय पाना चाहता हूँ। द्वेष बुद्धि से छद्म का आश्रय लेकर तुम जिस प्रकार मेरी सहायता करना चाहते हो, उसकी अपेक्षा तो मुझे पराजय भी स्वीकार है। हे ताज, जो होगा सो मैं भुगतूंगा। तुम तो सुखपूर्वक अपने घर चले जाओ। किसी भी मूल्य पर सफलता पाने और कुछ भी करके मनोवांछा पूरी करने की अपेक्षा असफल रहना और हारना श्रेयस्कर है। नैतिक मूल्यों का संरक्षण हर हालत में होना चाहिए, चाहे उससे अपने स्वार्थों को कितना ही आघात क्यों ना लगता हो। लक्ष्य के प्रति एक निष्ठ। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। कौरव तो सभी युद्ध में मारे जा चुके थे। पांडव भी कुछ समय तक राज्य करके हिमालय पर चले गए। वहां पर एक एक करके सभी भाई गिर गए। अकेले युधिष्ठिर अपने एकमात्र साथी कुत्ते के साथ बचे रहे और वे स्वर्ग गए। कहते हैं युधिष्ठिर जीवित ही स्वर्ग में गए थे। वहां उन्होंने स्वर्ग और नरक दोनों को देखा। स्वर्ग में प्रवेश करते ही दुर्योधन दिखाई दिया। अपने भाइयों से भी उसका सामना हुआ। रास्ते में अन्य भाइयों को गिरते समय प्रश्न करने वाले भीम के मन में यहाँ भी जिज्ञासा उठी, भैया दुष्ट दुर्योधन तो आजीवन अनीति का ही पक्ष लेता रहा। उसने अपने पूरे जीवन में कोई धर्म का कार्य नहीं किया जिसके पुण्य से उसे स्वर्ग मिला हो। क्या ईश्वर के न्याय में भी अंधेर गर्दी है? नहीं भीम, ईश्वरीय विधान के अनुसार प्रत्येक पुण्य का परिणाम चाहे वह किंचित ही क्यों ना हो स्वर्ग मिलता है। सभी बुराइयों के होते हुए भी दुर्योधन में एक सद्गुण था जिसके प्रसाद स्वरूप उसे स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ है। वह क्या? भीम ने पूछा। वह अपने संस्कारों के कारण जीवन को सही दिशा भले ही ना दे सका हो, परंतु उसका मार्ग अवश्य सही था। वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तन्मयता पूर्वक जुटा रहा। देह के प्रति एक निष्ठ रहना बहुत बड़ा सद्गुण है। इस सद्गुण के पुण्य के परिणाम स्वरूप कुछ समय के लिए उसे स्वर्ग में स्थान मिलना उचित था। कलयुग की पांच कड़वी सच्चाइयां। महाभारत के समय की बात है। पांचों पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कलयुग के बारे में चर्चा की और कलयुग के बारे में विस्तार से पूछा और जानने की इच्छा जाहिर की कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, उसके व्यवहार कैसे होंगे और उसे मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे वह आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। पांचों भाई वन में गए। युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि किसी हाथी की दो सूंड हैं। यह देखकर आश्चर्य का पार न रहा। अर्जुन दूसरी दिशा में गए। वहां उन्होंने देखा कि कोई पक्षी है, उसके पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हैं, पर वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है, यह भी आश्चर्य है। भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया है और बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। सहदेव ने चौथा आश्चर्य देखा कि 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी पानी नहीं है। पांचवें भाई नकुल ने भी एक अद्भुत आश्चर्य देखा कि एक पहाड़ के ऊपर एक बड़ी शिला लुढ़कती लुढ़कती आती और कितने ही वृक्षों से टकराई, पर उन वृक्षों के तने उसे रोक ना सके। कितनी ही अन्य शिलाओं के साथ टकराई, पर वह रुक ना सकी। अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वह स्थिर हो गई। पांचों भाइयों के आश्चर्यों का कोई पार नहीं बचा। शाम को वे श्री कृष्ण के पास गए और अपने अलग अलग दृश्यों का वर्णन किया। युधिष्ठिर कहते हैं, मैंने दो सूंड वाला हाथी देखा तो मेरा आश्चर्य का कोई पार नहीं रहा। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, ऐसे लोगों का राज्य होगा। इससे तुम पहले राज्य कर लो।
अर्जुन ने आश्चर्य देखा कि पक्षी के पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई हैं और पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति आ जाए। संस्था के व्यक्ति विचारेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम पर हो जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध है। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे, किंतु उनकी दृष्टि धन के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोगों की बहुत मात्रा होगी जो परधन को हराने और छीनने को आतुर होंगे, और कोई कोई बिरला ही संत पुरुष होगा। भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा कि गायें अपने बछड़े को इतना चाटती है, बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। कलयुग का आदमी शिशुपाल हो जाएगा, बालकों के लिए इतनी ममता करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांधकर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, लड़कियां जमाइयों की अमानत है और तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। तुम अपने शाश्वत संबंध को जान लो बस। सहदेव ने चौथा आश्चर्य यह देखा कि 5-7 भरे कुएं के बीच का कुआं एकदम खाली। कलयुग में धन वाले लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो वह कुछ भी नहीं देंगे। पांचवा आश्चर्य यह था कि एक बड़ी चट्टान पहाड़ से लुढ़की। वृक्षों के तने चट्टाने उसे रोक नहीं पाई, लेकिन एक छोटे से पौधे से टकराते ही वह चट्टान रुक गई। कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। द्रौपदी स्वयंवर। लाक्षाग्रह से जीवित बच निकलने के पश्चात पांडव अपनी माता कुंती सहित वहां से एक चक्रा नगरी में जाकर मुनि के वेश में एक ब्राह्मण के घर में निवास करने लगे। यहीं पर भीम ने बक नामक राक्षस का वध किया। पांडवों को एक चक्रा नगरी में रहते हुए कुछ काल व्यतीत हो गया तो एक दिन उनके यहाँ भ्रमण करता हुआ एक ब्राह्मण आया। पांडवों ने उसका यथोचित सत्कार करके पूछा, देव आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं महाराज द्रुपद की नगरी पंचाल से आ रहा हूँ। वहाँ पर द्रुपद की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर के लिए अनेक देशों के राजा महाराजा पधारे हुए हैं। उस ब्राह्मण के प्रस्थान करने के पश्चात पांडवों से भेंट करने वेद व्यास जी आ पहुँचे। वेद व्यास जी ने पांडवों को आदेश दिया कि तुम लोग पंचाल चले जाओ, वहाँ द्रुपद कन्या पंचाली का स्वयंवर होने जा रहा है। वह कन्या तुम लोगों के सर्वथा योग्य है, क्योंकि पूर्व जन्म में उसने भगवान शंकर की तपस्या की थी और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उसे अगले जन्म में 5 उत्तम पति प्राप्त होने का वरदान दिया था। वह देवी स्वरूपा बालिका सब भांति से तुम लोगों के ही योग्य है। तुम लोग वहां जाकर उसे प्राप्त करो। इतना कहकर वेद व्यास जी वहां से चले गए। पंचाल जाते हुए मार्ग में पांडवों की भेंट धौम्य नामक ब्राह्मण से हुई। वे उसके साथ ब्राह्मणों का वेश धर द्रौपदी के स्वयंवर में पहुंचे। स्वयंवर सभा में अनेक देशों के राजा महाराजा एवं राजकुमार पधारे हुए थे। एक और श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम तथा गणमान्य यदुवंशियों के साथ विराजमान थे। वहां वे ब्राह्मणों की पंक्ति में जाकर बैठ गए। कुछ ही देर में राजकुमारी द्रौपदी हाथ में वरमाला लिए अपने भाई धृष्टद्युम्न के साथ उस सभा में पहुंची। धृष्टद्युम्न ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, हे विभिन्न देश से पधारे
राज महाराजाओं एवं अन्य गण मान्य जनों इस मंडप में स्तंभ के ऊपर बने हुए उस घूमते हुए यंत्र पर ध्यान दीजिए। उस यंत्र में एक मछली लटकी हुई है तथा यंत्र के साथ घूम रही है। आपको स्तंभ के नीचे रखे हुए तेल पात्र में मछली के प्रतिबिंब को देखते हुए बाण चलाकर मछली के नेत्र को लक्ष्य बनाना है। मछली के नेत्र का सफल भेदन करने वाले से मेरी बहन द्रौपदी का विवाह होगा। एक के बाद एक सभी राजा महाराजा एवं राजकुमारों ने मछली पर निशाना साधने का प्रयास किया, किंतु सफलता हाथ ना लगी और वे कांतिहीन होकर अपने स्थान में लौट आए। इन असफल लोगों में जरासंध, शल्य, शिशुपाल तथा दुर्योधन, दुशासन आदि कौरव भी सम्मिलित थे। कौरवों के असफल होने पर दुर्योधन के परम मित्र कर्ण ने मछली को निशाना बनाने के लिए धनुष उठाया, किंतु उन्हें देखकर द्रौपदी बोल उठी, यह सूत पुत्र है इसलिए मैं इसका वरण नहीं कर सकती। द्रौपदी के वचनों को सुनकर कर्ण ने लज्जित होकर धनुष बाण रख दिया। उसके पश्चात ब्राह्मणों की पंक्ति से उठकर अर्जुन ने निशाना लगाने के लिए धनुष उठा लिया। एक ब्राह्मण को राजकुमारी के स्वयंवर के लिए उद्यत देख वहां उपस्थित जनों को अत्यंत आश्चर्य हुआ, किंतु ब्राह्मणों के क्षत्रियों से अधिक श्रेष्ठ होने के कारण से उन्हें कोई रोक ना सका। अर्जुन ने तेल पात्र में मछली के प्रतिबिंब को देखते हुए एक ही बाण से मछली के नेत्र को भेद दिया। द्रौपदी ने आगे बढ़कर अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। एक ब्राह्मण के गले में द्रौपदी को वरमाला डालते देख समस्त क्षत्रिय राजा महाराजा एवं राजकुमारों ने क्रोधित होकर अर्जुन पर आक्रमण कर दिया। अर्जुन की सहायता के लिए शेष पांडव भी आ गए और पांडवों तथा क्षत्रिय राजाओं में घमासान युद्ध होने लगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले ही पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने बीच बचाव करके युद्ध को शांत करा दिया। दुर्योधन ने भी अनुमान लगा लिया कि निशाना लगाने वाला अर्जुन ही रहा होगा और उसका साथ देने वाले शेष पांडव रहे होंगे। वर्णाव्रत के लाक्षाग्रह से पांडवों के बच निकलने पर उसे अत्यंत आश्चर्य होने लगा। पांडव द्रौपदी विवाह। अर्जुन द्वारा द्रौपदी को स्वयंवर में जीते जाने के बाद पांचों पांडव द्रौपदी को साथ लेकर वहां पहुंचे जहां वे अपनी माता कुंती के साथ रह रहे थे। द्वार से ही अर्जुन ने पुकार की, माता, आज हम लोग आपके लिए एक अद्भुत भिक्षा लेकर आए हैं। उस पर कुंती ने भीतर से ही कहा, पुत्रों तुम लोग आपस में ही मिल बांटकर उसका उपभोग कर लो। बाद में यह ज्ञात होने पर कि भिक्षा वधु के रूप में है, कुंती को अत्यंत पश्चाताप हुआ, किंतु माता के वचनों को सत्य सिद्ध करने के लिए द्रौपदी ने पांचों पांडवों को पति के रूप में स्वीकार कर लिया। पांडवों के द्रौपदी को साथ लेकर अपने निवास पर पहुंचने के कुछ काल पश्चात उनके पीछे पीछे भगवान श्री कृष्ण भी आ पहुंचे। श्री कृष्ण ने अपनी बुआ कुंती के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त किया और सभी पांडवों से गले लगे। औपचारिकताएं पूर्ण होने के पश्चात युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे द्वारिकाधीश, आपने हमारे इस अज्ञातवास में हमें कैसे पहचान लिया? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, भीम और अर्जुन के पराक्रम को देखने के पश्चात भला मैं आप लोगों को कैसे ना पहचानता। सभी से भेंट मुलाकात करके श्री कृष्ण वहां से अपनी नगरी द्वारिका को चले गए। द्रौपदी के स्वयंवर के समय दुर्योधन के साथ ही साथ द्रुपद, धृष्टद्युम्न एवं अन्य लोगों को संदेह हो गया था कि वे ब्राह्मण पांडव ही हैं। उनकी परीक्षा करने के लिए द्रुपद ने धृष्टद्युम्न को भेजकर उन्हें अपने राजप्रसाद में बुला लिया। राजप्रसाद में द्रुपद एवं धृष्टद्युम्न ने पहले राजकोष को दिखाया, किंतु पांडवों ने वहां रखे रत्न आभूषणों तथा रत्न माणिक्य आदि में किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं दिखाई, किंतु जब वे शस्त्रागार में गए तो वहां रखे अस्त्र शस्त्रों में उन सभी ने बहुत रुचि प्रदर्शित की और अपनी पसंद के शस्त्रों को अपने पास रख लिया। उनके क्रियाकलाप से द्रुपद को विश्वास हो गया कि ये ब्राह्मण के रूप में योद्धा ही हैं। द्रुपद ने युधिष्ठिर से पूछा, हे आर्य, आपके पराक्रम को देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि आप लोग
ब्राह्मण नहीं है, कृपा करके आप अपना सही परिचय दीजिए। उनके वचनों को सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, राजन आपका कथन सत्य है, हम पांडु पुत्र पांडव हैं। मैं युधिष्ठिर हूँ और ये मेरे भाई भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव हैं। हमारी माता कुंती आपकी पुत्री द्रौपदी के साथ आपके महल में है। युधिष्ठिर की बात सुनकर द्रुपद अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, आज भगवान ने मेरी सुन ली। मैं चाहता था कि मेरी पुत्री का विवाह पांडु के पराक्रमी पुत्र अर्जुन के साथ ही हो। मैं आज ही अर्जुन और द्रौपदी के विधिवत विवाह का प्रबंध करता हूँ। इस पर युधिष्ठिर ने कहा, राजन द्रौपदी का विवाह तो हम पांचों भाइयों के साथ होना है। यह सुनकर द्रुपद आश्चर्यचकित हो गए और बोले, यह कैसे संभव है? एक पुरुष की अनेक पत्नियां अवश्य हो सकती हैं, किंतु एक स्त्री के पांच पति हों, ऐसा तो ना कभी देखा गया ना कभी सुना गया। युधिष्ठिर ने कहा, राजन ना तो मैं कभी मिथ्या भाषण करता हूँ, ना ही कोई कार्य धर्म या शास्त्र के विरुद्ध करता हूँ। हमारी माता ने हम सभी भाइयों को द्रौपदी का उपभोग करने का आदेश दिया है और मैं माता की आज्ञा की अवहेलना कदापि नहीं कर सकता। इसी समय वहां पर वेद व्यास जी पधारे और उन्होंने द्रुपद को द्रौपदी के पूर्व जन्म में तपस्या से प्रसन्न होकर शंकर भगवान के द्वारा पांच पराक्रमी पति प्राप्त करने के वर की देने की बात बताई। वेद व्यास जी के वचनों को सुनकर द्रुपद का संदेह समाप्त हो गया और उन्होंने अपनी पुत्री द्रौपदी का पाणी ग्रहण संस्कार पांचों पांडवों के साथ बड़े धूमधाम के साथ कर दिया। इस विवाह में विशेष बात यह हुई कि देव ऋषि नारद ने स्वयं पधार कर द्रौपदी को प्रतिदिन कन्या रूप हो जाने का आशीर्वाद दिया। पांडवों के जीवित होने तथा द्रौपदी के साथ विवाह होने की बात तेजी से सभी ओर फैल गई। हस्तिनापुर में इस समाचार के मिलने पर दुर्योधन और उसके सहयोगियों के दुख का पारावार नहीं रहा। द्रौपदी हरण। अर्जुन के इंद्रप्रस्थ से दिव्य अस्त्र की शिक्षा पाकर लौटने के बाद पांचों पांडव द्रौपदी के साथ काम्य वन में अपना आश्रम बनाकर रह रहे थे। तभी एक बार पांचों पांडव किसी कार्यवश बाहर गए हुए थे। आश्रम में केवल द्रौपदी, उसकी एक दासी और पुरोहित धौम्य ही थे। एक दिन दुर्योधन की बहन का पति जयद्रथ, जो विवाह की इच्छा से शाल्व देश का जा रहा था, अचानक आश्रम के द्वार पर खड़ी द्रौपदी पर उसकी दृष्टि पड़ी और वह उस पर मुग्ध हो गया। उसने अपनी सेना को वहीं रोककर अपने मित्र कौटिकास्य को कहा, कौटिक तनिक जाकर पता लगाओ कि यह सर्वांग सुंदरी कौन है। यदि यह स्त्री मुझे मिल जाए तो फिर मुझे विवाह के लिए शाल्व देश जाने की क्या आवश्यकता है। मित्र की बात सुनकर कौटिकास्य द्रौपदी के पास पहुंचा और बोला, हे कल्याणी आप कौन हैं? कहीं आप कोई अप्सरा या देव कन्या तो नहीं है? द्रौपदी ने उत्तर दिया, मैं जग विख्यात पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी हूँ। मेरे पति अभी आने ही वाले हैं, अतः आप लोग उनका आतिथ्य सेवा स्वीकार करके यहाँ से प्रस्थान करें। आप लोगों से प्रार्थना है कि उनके आने तक आप लोग कुटी के बाहर विश्राम करें। मैं आप लोगों के लिए भोजन का प्रबंध करती हूँ। कौटिकास्य ने जयद्रथ के पास जाकर द्रौपदी का परिचय दिया। परिचय जानने पर जयद्रथ ने द्रौपदी के पास जाकर कहा, हे द्रौपदी, तुम उन लोगों की पत्नी हो जो वन में मारे मारे फिरते हैं और तुम्हें किसी भी प्रकार का सुख वैभव प्रदान नहीं कर पाते। तुम पांडवों का त्याग करके मुझसे विवाह कर लो और संपूर्ण सिंधु देश का राज्य सुख भोगो। जयद्रथ के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने उसे बहुत धिक्कारा, किंतु काम से अंधा जयद्रथ पर उसके धिक्कार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने द्रौपदी को शक्तिपूर्वक खींचकर अपने रथ में बैठा लिया। गुरु धौम्य द्रौपदी की रक्षा के लिए आए तो उसे जयद्रथ ने उसे वहीं पर भूमि पर पटक दिया और अपना रथ वहां से भगाने लगा। थोड़ी देर में ही पांडव आश्रम में लौटे। द्रौपदी के अपहरण का समाचार पाते ही भीम गदा लेकर जयद्रथ के पीछे भागे। युधिष्ठिर ने भीम को बताया कि वह बहन दुशला का पति है, अतः उसे जान से मत मारना। उसी समय अर्जुन भी उसके पीछे भागे। जयद्रथ द्रौपदी को छोड़कर भाग गया। भीम ने जयद्रथ का पीछा किया तथा उसे पृथ्वी पर पटक दिया। उसे बांधकर द्रौपदी के सामने लाए।
द्रौपदी ने दया करके उसे छोड़ दिया। इस अपमान से दुखी होकर जयद्रथ ने शंकर की तपस्या की तथा अर्जुन को छोड़कर किसी अन्य पांडव से ना हारने का वरदान पा लिया। कीचक वध की कहानी। पांडवों को मत्स्य नरेश विराट की राजधानी में निवास करते हुए 10 माह व्यतीत हो गए। सहसा एक दिन राजा विराट का साला कीचक अपनी बहन सुदेशना से भेंट करने गया। जब उसकी दृष्टि सैरंद्री द्रौपदी पर पड़ी तो वह काम पीड़ित हो उठा तथा सैरंद्री से एकांत में मिलने के अवसर की ताक में रहने लगा। द्रौपदी भी कीचक की कामुक दृष्टि को भांप गई। उसने महाराज विराट एवं महारानी सुदेशना से कहा कि कीचक मुझ पर कुदृष्टि रखता है। मेरे 5 गंधर्व पति हैं, एक ना एक दिन वे कीचक का वध अवश्य करेंगे। किंतु उन दोनों ने द्रौपदी की बात की कोई परवाह नहीं की। लाचार होकर एक दिन द्रौपदी ने भीमसेन को कीचक की कुदृष्टि तथा कुविचार के विषय में बता दिया। द्रौपदी के वचन सुनकर भीमसेन बोले, हे द्रौपदी, तुम उस दुष्ट कीचक को अर्धरात्रि में नृत्यशाला में मिलने का संदेश दे दो। नृत्यशाला में तुम्हारे स्थान पर मैं जाकर उसका वध कर दूंगा। सैरंद्री ने वल्लभ की योजना के अनुसार कीचक को रात्रि में नृत्यशाला में मिलने का संकेत दे दिया। द्रौपदी के इस संकेत से प्रसन्न कीचक जब रात्रि को नृत्यशाला में पहुंचा तो वहां पर भीमसेन द्रौपदी की एक साड़ी से अपना शरीर और मुंह ढक कर वहां लेटे थे। उन्हें सैरंद्री समझकर काम उत्तेजित कीचक बोला, हे प्रियतमे, मेरा सर्वस्व तुम पर न्योछावर है, अब तुम उठो और मेरे साथ रमण करो। कीचक के वचन सुनते ही भीमसेन उछलकर उठ खड़े हुए और बोले, रे पापी, तू सैरंद्री नहीं अपनी मृत्यु के समक्ष खड़ा है, ले अब पर स्त्री पर कुदृष्टि डालने का फल चख। इतना कहकर भीमसेन ने कीचक को लात और घूंसों से मारना आरंभ कर दिया। जिस प्रकार प्रचंड आंधी वृक्षों को झंझोर डालती है, उसी प्रकार भीमसेन कीचक को धक्के मार मार कर सारी नृत्यशाला में घुमाने लगे। अनेक बार उसे घुमा घुमा कर पृथ्वी पर पटकने के बाद अपनी भुजाओं से उसकी गर्दन को मरोड़कर उसे पशु की मौत मार डाला। इस प्रकार कीचक का वध कर देने के बाद भीमसेन ने उसके सभी अंगों को तोड़ मरोड़कर उसे मांस का एक लौंदा बना दिया और द्रौपदी से बोले, पांचाली, आकर देखो मैंने इस काम के कीड़े की क्या दुर्गति कर दी है। उसकी उस दुर्गति को देखकर द्रौपदी को अत्यंत संतोष प्राप्त हुआ। फिर वल्लभ और सैरंद्री चुपचाप अपने अपने स्थानों पर जाकर सो गए। प्रातःकाल जब कीचक के वध का समाचार सबको मिला तो महारानी सुदेशना, राजा विराट तथा कीचक के अन्य भाई आदि विलाप करने लगे। जब कीचक के शव को अत्येष्टि के लिए ले जाने लगा तो द्रौपदी ने राजा विराट से कहा, मुझे इसे मुझ पर कुदृष्टि रखने का फल मिल गया, अवश्य ही मेरे गंधर्व पतियों ने इसकी दुर्दशा की है। द्रौपदी के वचन सुनकर कीचक के भाइयों ने क्रोधित होकर कहा, हमारे अत्यंत बलवान भाई की मृत्यु इसी सैरंद्री के कारण हुई है, अतः इसे भी कीचक की चिता के साथ में जला देना चाहिए। इतना कहकर उन्होंने द्रौपदी को जबरदस्ती कीचक की अर्थी के साथ बांध दिया और शमशान की ओर ले जाने लगे। कंक, वल्लभ, विरहनला, तंतिपाल और ग्रांथिक के रूप में वहां उपस्थित पांडवों से द्रौपदी की यह दुर्दशा नहीं देखी जा रही थी, किंतु अज्ञातवास के कारण वे स्वयं को प्रकट भी नहीं कर सकते थे। इसीलिए भीमसेन चुपके से परकोटे को लांघकर शमशान की ओर दौड़ पड़े और रास्ते में कीचक तथा मिट्टी का सारे अंगों पर लेप कर लिया। फिर एक विशाल वृक्ष को उखाड़कर कीचक के भाइयों पर टूट पड़े और उनमें से कितने ही को भीमसेन ने मार डाला। जो शेष बचे अपना प्राण बचाकर भाग निकले। इसके बाद भीमसेन ने द्रौपदी को सांत्वना देकर महल में भेज दिया और स्वयं नहा धोकर दूसरे रास्ते से अपने स्थान पर लौट आए। कीचक तथा उसके भाइयों का वध होते देखकर राजा विराट सहित सभी लोग द्रौपदी से भयभीत रहने लगे। महाभारत युद्ध का आरंभ। महाभारत युद्ध में दोनों पक्षों की सेनाओं का सम्मिलित संख्या बल 18 अक्षौणी था। युधिष्ठिर 7 अक्षौणी सेना के, जबकि दुर्योधन 11 अक्षौणी सेना का स्वामी था। पांडव तथा कौरव दोनों ही और की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हुई।
पहले भगवान श्री कृष्ण परम क्रोधी दुर्योधन के पास दूत बनकर गए। उन्होंने 11 अक्षौणी सेना के स्वामी राजा दुर्योधन से कहा, राजन तुम युधिष्ठिर को आधा राज्य दे दो या उन्हें 5 गांव ही दे दो, नहीं तो उनके साथ युद्ध करो। श्री कृष्ण की बात सुनकर दुर्योधन ने कहा, मैं उन्हें सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, हाँ उनसे युद्ध अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर वह भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने के लिए उद्यत हो गया। उस समय राज्यसभा में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम दुर्दर्श विश्वरूप का दर्शन कराकर दुर्योधन को भयभीत कर दिया। फिर विदुर ने अपने घर ले जाकर भगवान का पूजन और सत्कार किया। तदंतर वे युधिष्ठिर के पास लौट गए और बोले, महाराज आप दुर्योधन के साथ युद्ध कीजिए। युद्ध से पूर्व पांडवों ने अपनी सेना का पड़ाव कुरुक्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र में सरस्वती नदी के दक्षिणी तट पर बसे समंत्र पंचक तीर्थ के पास हिरण्यवती नदी के तट पर डाला। कौरवों ने कुरुक्षेत्र के पूर्वी भाग में वहां से कुछ योजन की दूरी पर एक समतल स्थान अपना पड़ाव डाला। दोनों ओर के शिविरों में सैनिकों के भोजन और घायलों के उपचार की उत्तम व्यवस्था थी। हाथी घोड़े और रथों की अलग व्यवस्था थी। हजारों शिविरों में से प्रत्येक शिविर में प्रचुर मात्रा में खाद्य सामग्री, अस्त्र शस्त्र, यंत्र और कई वैद्य और शिल्पी वेतन देकर रखे गए थे। दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध के लिए 5 योजन 40 किलोमीटर का घेरा छोड़ा गया था। कौरवों की ओर से युद्ध करने वाले महारथी थे भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, मद्र, नरेश, शल्य, भूरिश्रवा, अलुम्बुश, कृतवर्मा, कलिगराज, श्रुतायुध, शकुनी, जयद्रथ, विंद अनुविंद, कामोजराज, सुदक्षिण, बृहद्वल, दुर्योधन व उसके 99 भाई। जबकि पांडवों की ओर से भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, युधिष्ठिर, द्रौपदी के 5 पुत्र सात्यकी, उत्तमौजा, विराट, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, पांड्यराज, घटोत्कच, शिखंडी, युयुत्सु, कुंतीभोज, शैब्य, अनूपराज, नील आदि प्रमुख महारथी थे। भीष्म पितामह की सलाह पर दोनों दलों ने एकत्र होकर युद्ध के कुछ नियम बनाए। उनके बनाए हुए नियम थे, प्रतिदिन युद्ध सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही होगा, सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा। युद्ध समाप्ति के पश्चात छल कपट छोड़कर सभी लोग प्रेम का व्यवहार करेंगे। रथी रथी से, हाथी पर सवार योद्धा हाथी वाले से और पैदल पैदल से ही युद्ध करेगा। एक वीर के साथ एक ही वीर युद्ध करेगा। भय से भागते हुए या शरण में आए हुए लोगों पर अस्त्र का प्रहार नहीं किया जाएगा। जो वीर निहत्ता हो जाएगा उस पर कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया जाएगा। युद्ध में सेवक का काम करने वालों पर कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएगा। युधिष्ठिर और दुर्योधन की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में जा डटी। अपने विपक्ष में पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण आदि गुरुजनों तथा सगे संबंधियों को देखकर अर्जुन युद्ध से विरत हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। उनसे कहा, पार्थ भीष्म आदि गुरुजन शोक के योग्य नहीं है। मनुष्य का शरीर विनाशशील है किंतु आत्मा का कभी नाश नहीं होता। यह आत्मा ही पर ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ। इस प्रकार तुम उस आत्मा को समझो। कार्य की सिद्धि और असिद्धि में समान भाव में रहकर कर्म योग का आश्रय लेकर क्षत्रिय धर्म का पालन करो। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन रथ आरूढ़ होकर युद्ध में प्रवृत्त हुए। श्री कृष्ण तथा अर्जुन सहित सभी ने शंख ध्वनि की और युद्ध का प्रारंभ हो गया। दुर्योधन की सेना में सबसे पहले भीष्म पितामह सेनापति हुए। पांडवों के सेनापति शिखंडी थे। इन दोनों में भारी युद्ध छिड़ गया। भीष्म सहित कौरव पक्ष के योद्धा उस युद्ध में पांडव पक्ष के सैनिकों पर प्रहार करने लगे और शिखंडी आदि पांडव पक्ष के वीर कौरव सैनिकों को अपने बाणों का निशाना बनाने लगे। कौरव और पांडव सेना का वह युद्ध देवासुर संग्राम के समान जान पड़ता था। आकाश में खड़े देखने वाले देवताओं के वह युद्ध बड़ा आनंददायक प्रतीत हो रहा था। भीष्म ने 10 दिनों तक युद्ध करके पांडवों की अधिकांश सेना को अपने बाणों से मार गिराया था।
महाभारत का युद्ध अंतिम दौर में था। भीष्म पितामह शरशय्या पर लेटे थे। युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ उनके चरणों के समीप बैठे उनका धर्मोपदेश सुन रहे थे। तभी द्रौपदी वहां उपस्थित हुई और बोली, पितामह मेरी एक शंका है। बोलो बेटी, भीष्म ने स्नेह पूर्वक पूछा। पितामह मैं पहले ही क्षमा याचना कर लेती हूँ, प्रश्न जरा टेढ़ा है। बेटी जो पूछना है निर्भय होकर पूछो, भीष्म बोले। पितामह जब भरी सभा में दुशासन मेरा चीरहरण कर रहा था उस समय आप भी वहां उपस्थित थे, किंतु आपने मेरी सहायता नहीं की। बताइए उस समय आपका विवेक और ज्ञान कहाँ चला गया था? एक अबला के चीरहरण का दृश्य आप अपनी आंखों से किस प्रकार देख सके? यह सुनकर पांडव चौंक उठे, भीष्म गंभीर हो गए। यह प्रश्न उनके सम्मुख पहली बार नहीं आया था। जिस समय यह घटना घटी थी उस समय भी यही प्रश्न उनके सम्मुख था। उसके बाद जब उन्हें इस घटना का स्मरण होता तो वह प्रश्न रूप में ही उनके सामने रहता। आज द्रौपदी ने स्पष्ट पूछ लिया था। भीष्म बोले, बेटी तुम ठीक कहती हो। असल में बात यह है कि मैं उस समय दुर्योधन का पाप से पूर्ण अन्न खा रहा था। वही पाप मेरे मन और मस्तिष्क में समाया हुआ था। मैं देख रहा था कि अत्याचार हो रहा है, अधम हो रहा है, लेकिन उसको रोक नहीं सका। मैं चाहता था कि ऐसा ना हो, किंतु मना करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं रहा। लेकिन आज सहसा ये ज्ञान कैसे प्रकट हो गया है? द्रौपदी ने बीच में ही कहा, बेटी आज अर्जुन के बाणों ने मेरा वह सारा रक्त बाहर निकाल दिया है जिसमें दुर्योधन के पाप के अन्न का प्रभाव था। अब तो मैं रक्त विहीन प्राणी हूँ, इसलिए मेरा विवेक आज सजग है। मेरे शरीर से पाप के अन्न से बना रक्त निकल गया है। इसके बाद द्रौपदी के पास कुछ कहने को नहीं रहा। इस उत्तर से वह संतुष्ट हो गई। कर्ण और अर्जुन का संग्राम और कर्ण वध। द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद दुर्योधन पुनः शोक से आतुर हो उठा। अब द्रोणाचार्य के बाद कर्ण उसकी सेना का कर्णधार हुआ। पांडव सेना का आधिपत्य अर्जुन को मिला। कर्ण और अर्जुन में भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों की मार काट से युक्त महाभयानक युद्ध हुआ जो देव असुर संग्राम को भी मात करने वाला था। कर्ण और अर्जुन के संग्राम में कर्ण ने अपने बाणों से शत्रु पक्ष के बहुत से वीरों का संहार कर डाला। 17वें दिन से पहले तक कर्ण का युद्ध अर्जुन के अतिरिक्त सभी पांडवों से हुआ। उसने महाबली भीम सहित पांडवों को एक पर एक रण में परास्त किया, पर माता कुंती को दिए वचनानुसार उसने किसी भी पांडव की हत्या नहीं की। 17वें दिन युद्ध में अंततः वह घड़ी आ ही गई जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने आ गए। इस शानदार संग्राम में दोनों ही बराबर थे। कर्ण को उसके गुरु परशुराम द्वारा विजय नामक धनुष भेंट में मिला हुआ था जिसका प्रतिरूप स्वयं विश्वकर्मा ने बनाया था। दुर्योधन के निवेदन पर पांडवों के मामा शल्य कर्ण के सारथी बनने के लिए तैयार हुए, क्योंकि अर्जुन के सारथी स्वयं श्री कृष्ण थे और कर्ण किसी भी मामले में अर्जुन से कम ना हो सके इसके लिए शल्य से सारथी बनने का निवेदन किया गया। महाराज शल्य में वे सभी गुण विद्यमान थे जो एक अच्छे सारथी में होने चाहिए। अर्जुन तथा कर्ण के मध्य हो रहे युद्ध की यह भी विशेषता थी कि जब अर्जुन के बाण कर्ण के रथ पर लगते तो उसका रथ कुछ गज आगे खिसक जाता, किंतु जब कर्ण के बाण अर्जुन के रथ पर लगते तो उसका रथ केवल कुछ ही हथेली दूर पर खिसकता। इस पर श्री कृष्ण ने कर्ण की प्रशंसा की। चकित होकर अर्जुन ने कर्ण की इस प्रशंसा का कारण पूछा, क्योंकि उसके बाण रथ को पीछे खिसकाने में अधिक प्रभावशाली थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि कर्ण के रथ पर केवल कर्ण और शल्य का भार है, किंतु अर्जुन तुम्हारे रथ पर तो तुम स्वयं, मैं और वीर हनुमान भी विराजमान हैं। और तब भी कर्ण ने उनके रथ को कुछ पीछे खिसका दिया। युद्ध में कर्ण ने कई बार अर्जुन के धनुष की प्रत्यंचा काट दी, किंतु हर बार अर्जुन पलक झपकते ही धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा लेता। इसके लिए कर्ण अर्जुन की प्रशंसा करता है और शल्य से कहता है कि वह अब समझा कि क्यों अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहा जाता है। कर्ण और अर्जुन ने दैवीय अस्त्रों को चलाने के लिए अपने अपने ज्ञान का पूर्ण उपयोग करते हुए बहुत लंबा और घमासान युद्ध किया। कर्ण द्वारा अर्जुन का सिर धड़ से अलग करने के लिए नाग अस्त्र का प्रयोग किया गया।
किंतु श्री कृष्ण द्वारा सही समय पर रथ को भूमि में थोड़ा सा धंसा लिया गया, जिससे अर्जुन बच गया। इससे नाग अस्त्र अर्जुन के सिर के ठीक ऊपर से उसके मुकुट को छेदता हुआ निकल गया। नाग अस्त्र पर उपस्थित अश्वसेना नाग ने कर्ण से निवेदन किया कि वह उस अस्त्र को दोबारा प्रयोग करे, ताकि वह इस बार अर्जुन के शरीर को भेदता हुआ निकल जाए। किंतु कर्ण ने माता कुंती को दिए हुए वचन का पालन करते हुए उसे अस्त्र के पुनः प्रयोग से इनकार कर दिया। यद्यपि युद्ध गतिरोध पूर्ण हो रहा था, किंतु कर्ण तब उलझ गया जब उसके रथ का एक पहिया धरती में धस गया। वह अपने को दैवीय अस्त्रों के प्रयोग में भी असमर्थ पाता है, जैसा कि उसके गुरु परशुराम का शाप था। तब कर्ण अपने रथ के पहिये को निकालने के लिए नीचे उतरा और अर्जुन से निवेदन किया कि वह युद्ध के नियमों का पालन करते हुए कुछ देर के लिए उस पर बाण चलाना बंद करे। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्ण को कोई अधिकार नहीं है कि अब वह युद्ध नियमों और धर्म की बात करे, जबकि स्वयं उसने भी अभिमन्यु के वध के समय किसी भी युद्ध नियम का या धर्म का पालन नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि तब उसका धर्म कहाँ गया था, जब उसने दिव्य जन्मा द्रौपदी को पूरी कुरु राजसभा में समक्ष वैश्या कहा था। द्वित क्रीड़ा भवन में उसका धर्म कहाँ गया था, इसलिए अब उसे कोई अधिकार नहीं कि वह किसी धर्म या युद्ध नियम की बात करे। उन्होंने अर्जुन से कहा कि अभी कर्ण असहाय है, इसलिए वह उसका वध करे। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, यदि तुमने इस निर्णायक मोड़ पर अभी कर्ण को नहीं मारा तो संभवतः पांडव उसे कभी नहीं मार सकेंगे और यह युद्ध कभी नहीं जीता जा सकेगा। तब अर्जुन ने एक दैवीय अस्त्र का उपयोग करते हुए कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। कर्ण के शरीर के भूमि पर गिरने के बाद एक ज्योति कर्ण के शरीर से निकली और सूर्य में समाहित हो गई। तदंतर राजा शल्य कौरव सेना के सेनापति हुए, किंतु वे युद्ध में आधे दिन तक ही टिक सके। दोपहर होते होते युधिष्ठिर ने उन्हें मृत्यु लोक पहुंचा दिया। पांडवों का हिमालय गमन। धर्मराज युधिष्ठिर के शासनकाल में हस्तिनापुर की प्रजा सुखी और समृद्ध थी। कहीं भी किसी भी प्रकार का शोक वैभव नहीं था। कुछ समय बाद श्री कृष्ण से मिलने के लिए अर्जुन द्वारिकापुरी गए। जब उन्हें गए कई महीने बीत गए, तब धर्मराज युधिष्ठिर की विशेष चिंता हुई। वे भीम से बोले, हे भीमसेन, द्वारिका का समाचार लेकर भाई अर्जुन अभी तक नहीं लौटे और इस इधर काल की गति को देखो, संपूर्ण भूतों में उत्पात होने लगे, नित्य अपशगुन होते हैं, आकाश में उल्कापात होने लगे हैं और पृथ्वी पर भूकंप आने लगे हैं। सूर्य का प्रकाश मध्यम सा हो गया है और चंद्रमा के इर्द गिर्द बारंबार मंडल डोल बैठते हैं। आकाश के नक्षत्र एवं तारे परस्पर टकरा कर गिर रहे हैं। पृथ्वी पर बारंबार बिजली गिरती है। बड़े बड़े बवंडर उठकर अंधकार में भयंकर आंधी उत्पन्न करते हैं। सियारिन सूर्योदय के सम्मुख मुंह करके चिल्ला रही है। कुत्ते बिलाव बारंबार रो रहे हैं। गधे उल्ले उल्लू कौवे और कबूतर रात को कठोर शब्द करते हैं। गायें निरंतर आंसू बहाती हैं। घृत में अग्नि प्रज्वलित करने की शक्ति नहीं रह गई है। सर्वत्र श्रीहीनता प्रतीत होती है। इन सब बातों को देखकर मेरा हृदय धड़क रहा है। ना जाने ये अपशगुन किसी विपत्ति की सूचना दे रहे हैं। क्या भगवान श्री कृष्णचंद्र इस लोक कर छोड़कर चले गए या अन्य कोई दुखदायी घटना होने वाली है। उसी क्षण आतुर अवस्था में अर्जुन द्वारिका से वापस आए। उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। शरीर कांतिहीन था। उनकी गर्दन झुकी हुई थी। वे आते ही धर्मराज युधिष्ठिर के चरणों में गिर पड़े। तब युधिष्ठिर ने घबराकर उनसे पूछा, हे अर्जुन, द्वारिकापुरी में हमारे संबंधी और बंधु बांधव सही लोग तो प्रसन्न हैं। हमारे नाना शूरसेन तथा छोटे मामा वासुदेव तो कुशल से है ना। हमारी मामी देवकी अपनी सातों बहनों और पुत्र पोत्रादि सहित प्रसन्न तो है ना। राजा उग्रसेन और उनके छोटे भाई देवक तो कुशल से है ना। प्रद्युम्न अनिरुद्ध साम ऋषभ आदि तो प्रसन्न है ना। हमारे स्वामी भगवान श्री कृष्णचंद्र उद्भव उद्धव आदि अपने सेवकों सहित कुशल तो है ना। वे अपनी सुधर्मा सभा में नित्य आते हैं ना। सत्यभामा रुक्मिणी जामवंती आदि उनकी 16 सहस्र 108
पटरानियाँ तो नित्य उनकी सेवा में लीन रहती है ना। हे भाई अर्जुन, तुम्हारी कांति क्षीण क्यों हो रही है और तुम श्रीहीन क्यों हो रहे हो? धर्मराज युधिष्ठिर के प्रश्नों की बौछार से अर्जुन और भी व्याकुल हो गए। उनका रंग फीका पड़ गया, नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी, हिचकियाँ बन गई। हृदय कंठ से उन्होंने कहा, हे भ्राता, हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्णचंद्र ने हमें ठग लिया। वे हमें त्याग कर इस लोक से चले गए, जिनकी कृपा से मेरे परम पराक्रम के सामने देवता भी सिर नहीं उठाते थे। मेरे उस परम पराक्रम को भी वे अपने साथ ले गए। प्राणहीन मुर्दे जैसी गति हो गई है मेरी। मैं द्वारिका से भगवान श्री कृष्णचंद्र की पत्नियों को हस्तिनापुर ला रहा था, किंतु मार्ग में थोड़े से भीलों ने मुझे एक निर्बल की भांति परास्त कर दिया। मैं उन अबलाओं की रक्षा नहीं कर सका। मेरी वे ही भुजाएं हैं, वही रथ है, वही घोड़े हैं, वही गांडीव धनुष है, वही बाण है जिससे मैंने बड़े बड़े महारथियों के छक्के उड़ा दिए थे, जिस अर्जुन ने कभी अपने जीवन में शत्रुओं से मुंह की नहीं खाई थी, वही अर्जुन आज कायरों की भांति भीलों से पराजित हो गया। उनकी संपूर्ण पत्नियों तथा धन आदि को भील लोग लेके लूट गए और मैं निहत्ते की भांति देखता रहा। उन भगवान श्री कृष्ण के बिना मेरी संपूर्ण शक्ति क्षीण हो गई है। आपने जो द्वारिका में जिन यादवों की कुशल पूछी है, वे समस्त यादव ब्राह्मणों के श्राप से दुर्बुद्धि अवस्था को प्राप्त हो गए। अर्जुन के मुख से श्री कृष्ण के स्वधाम गमन और संपूर्ण यदुवंशियों के नाश का समाचार सुनकर युधिष्ठिर ने तुरंत अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया और अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, भगवान श्री चंद्र ने अपने इस लौकिक शरीर से इस पृथ्वी का भार उतार कर उसे इस प्रकार त्याग दिया जिस प्रकार कोई कांटे से कांटा निकालने के पश्चात उन दोनों कांटों को त्याग देता है। अब घोर कलयुग भी आने वाला है, अतः अब शीघ्र ही हम लोगों को स्वर्ग आरोहण करना चाहिए। जब माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र के स्वधाम का समाचार सुना तो उन्होंने श्री कृष्ण चंद्र में अपना ध्यान लगाकर शरीर त्याग दिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने महापराक्रमी पौत्र परीक्षित को संपूर्ण जम्बूद्वीप का राज्य देकर हस्तिनापुर में उसका राज्य अभिषेक किया और शिवसेन देश का राजा बनाकर मथुरापुरी में अनिरुद्ध के पुत्र व्रज का राजतिलक किया। तत्पश्चात परम ज्ञानी युधिष्ठिर ने प्रजापति यज्ञ किया और श्री कृष्ण में लीन होकर संन्यास ले लिया। उन्होंने मान अपमान अहंकार तथा मोह का त्याग दिया और मन तथा वाणी को वश में कर लिया। संपूर्ण विश्व उन्हें ब्रह्म रूप दृष्टिगोचर होने लगा। उन्होंने अपने केश खोल दिए, राजसी वस्त्र आभूषण त्याग कर चीर वस्त्र धारण करके और अन्न जल का परित्याग करके मौन व्रत धारण कर लिया। इतना करने के बाद बिना किसी और दृष्टि किए घर से बाहर उत्तर दिशा की ओर चल दिए। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी ने भी उनका अनुकरण किया। भगवान श्री कृष्ण चंद्र के प्रेम में मग्न होकर वे सब उत्तराखंड की ओर चल पड़े। उधर विदुर ने भी प्रभास क्षेत्र में भगवन में होकर शरीर त्याग दिया और अपने यमलोक को प्रस्थान कर गए। सभी पांडव मार्ग में श्री हरि के नामों का जाप करते हुए यात्रा कर रहे थे। उस महापथ में क्रमशः द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीमसेन एक एक करके गिर पड़े। अब मात्र युधिष्ठिर ही जीवित बचे थे। कहते हैं कि देवराज इंद्र के द्वारा लाए हुए रथ पर आरूढ़ होकर वह स्वर्ग चले गए। जय श्री कृष्णा।